सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल बालाजी स्टडी अड्डा को और इस बेल आइकन पर क्लिक कीजिए फॉर लेटेस्ट अपडेट। वेलकम टू बालाजी स्टडी अड्डा। नमस्कार दोस्तों, बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। जैसे कि हम बीटीसी डीएलएड सेकंड सेमेस्टर का फास्ट रिवीजन या सुपर फास्ट रिवीजन करा रहे हैं, तो इससे पहले हमने सोशल साइंस के दो पार्ट अभी तक देखे हैं। अगर वो पिछला दूसरा पार्ट आपने नहीं देखा है, साइड में आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा। आज हम देखेंगे इसका थर्ड पार्ट। इसके अंतर्गत हमने पूरा सल्तनत काल जो है इसी वीडियो में हम कवर करेंगे। उसमें आपका गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, ये सभी जो है वो आ जाएंगे, तो ध्यान से सुनिएगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम गुलाम वंश से। सल्तनत काल का टोटल ओवरऑल जो टाइम पीरियड था वो 1206 से 1526 ईस्वी तक चला था। इसको ध्यान में रखिएगा क्योंकि इसी के आधार पर आप इनका डिवीज़न करेंगे। गुलाम वंश इसके अंतर्गत आता है सबसे पहला वंश। इसी गुलाम वंश को दास वंश के नाम से भी जाना जाता है। गुलाम वंश का टोटल टाइम पीरियड था 1206 से 1290 ईस्वी तक। इसी के बीच हमें सभी का शासनकाल देखना है। संस्थापक की बात करें तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो गुलाम वंश के संस्थापक थे। वास्तविक संस्थापक के रूप में जो है वो इल्तुतमिश को जाना जाता है। कुतुबुद्दीन जो ऐबक थे इनके बारे में बात करें तो कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210 तक जो है वो शासनकाल जो है इनका चला था। और 1210 ईस्वी में जो है पोलो खेलते हुए जो ये घोड़े से गिर गए थे, उसी कारण जो है इनकी मृत्यु हो गई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में कुछ खास चीज़ जानते चलिए पॉइंट के साथ साथ। सबसे पहला कि ये जो है वो गौरी का गुलाम था। मोहम्मद गौरी आप जानते हैं, उसी का जो है ये कुतुबुद्दीन गुलाम था। दूसरा हमारा कि ये जो है अढ़ाई दिन का झोपड़ा जो है इसका निर्माण करता था। अढ़ाई दिन का झोपड़ा, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद और इसके साथ साथ कुतुब मीनार की पहली मंजिल, ये तीनों चीज़ें ध्यान में रखिएगा। जिसमें से हमारा ये आप दो बीच में देख रहे हैं, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद और उसके साथ साथ अढ़ाई दिन का झोपड़ा, ये सर्वाधिक बार जो है वो पूछा जाता है। तो ध्यान में रखिएगा कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद और अढ़ाई दिन का झोपड़ा जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनवाया गया था। राजधानी की बात करें तो राजधानी जो है वो लाहौर थी। लाखबख्श जो है इसी को उपाधि प्रदान की गई थी। क्यों उपाधि प्रदान की गई थी? क्योंकि लाखों का दान देने वाला ये जो है कुतुबुद्दीन जाना जाता था। मैंने आपको बताया कि कुतुब मीनार जो है उसकी पहली मंजिल जो है, कुतुब मीनार की पहली मंजिल जो है जो कुतुबुद्दीन ऐबक है उनके द्वारा बनवाई गई थी। तो यदि अगर बात करें कि जो कंप्लीट अगर बात करें कि किसने करवाया था कुतुब मीनार को, तो वो जो है जो वास्तविक संस्थापक के रूप में इल्तुतमिश जाना जाता है, इसी ने जो है वो करवाया था। इसके बाद जो अगला शासक आया उसके बारे में बात करें तो अगला शासक आया था हमारा आराम शाह। हम गुलाम वंश की बात कर रहे हैं तो इसमें जो है आया था 1210 से 1211 ईस्वी तक। केवल एक साल तक के लिए ही केवल इसका आपको शासनकाल देखने को मिलता है। ये हमारा उपयोगी नहीं, केवल आपको पता होना चाहिए। फिर हमारा जो शासक आया महत्वपूर्ण, वो आया था इल्तुतमिश। इल्तुतमिश की बात करें तो 1211 से 1236 ईस्वी तक जो है इसका शासनकाल देखने को मिलता है। इल्तुतमिश के समय में जो है जो महत्वपूर्ण कार्य हुए थे उनकी बात करें तो सबसे पहला हमारा कि कुतुब मीनार का जो कंप्लीट कराने का कार्य है वो इल्तुतमिश ने ही कराया था। मैंने आपको बताया कुतुबुद्दीन ऐबक जो है उसने जो कुतुब मीनार है उसका स्टार्टिंग तो कराई थी, परंतु अंत या कंप्लीट जो है वो इल्तुतमिश ने ही कराया था। इसके अलावा इक्ता प्रताप की काफ़ी बार पूछी जाती है, जो कि इल्तुतमिश के ही द्वारा जो है वो चलाई गई थी। राजधानी जो है वो लाहौर से दिल्ली जो है स्थानांतरित कर दी थी इल्तुतमिश ने। जैसे कि मैंने ऊपर अभी आपको बताया कुतुबुद्दीन जो है उसकी राजधानी जो है वो लाहौर थी, तो इल्तुतमिश जो है उसने राजधानी ट्रांसफर की थी लाहौर से दिल्ली, इसलिए जो है इसको ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा टंका जो है, ये मुद्रा की यहाँ पर बात की जा रही है, टंका जो है वो चांदी का और जीतल जो है वो तांबे का, ये जो है वो सिक्के जो है चलवाए गए थे इल्तुतमिश के द्वारा। और इसके साथ साथ चहलगामी का गठन भी जो है इल्तुतमिश के द्वारा ही कराया गया था। जो कि चहलगामी जो गठन है वो क्या था, वो जो है 40 तुर्की सरदारों का गुट था। अब देखिए, आपसे डायरेक्ट पूछ लिया गया इल्तुतमिश के बारे में कोई भी चीज़, तो आप ये सभी पॉइंट वाइज भी लिख लेंगे तो आपका पूरा जो क्वेश्चन चाहे अति लघु में आए चाहे लघु में आए कंप्लीट हो जाएगा। बाकी थोड़ी बहुत चीज़ें आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं कि एक योग्य शासक था, इस टाइप की चीज़ें। बात करें इसके बाद जो हमारा अगले शासक की, तो इल्तुतमिश की जो पुत्री थी जिसका नाम था रजिया बेगम। देखिए, इल्तुतमिश का टाइम पीरियड चला 1211 से 1236 तक, और इसी 1236 के आगे जो है वो रजिया बेगम सुल्तान जिसको जाना जाता है नाम, 1236 से 1240 यानी कि 4 साल तक इसका शासनकाल चला।
रजिया बेगम सुल्तान के बारे में सबसे फेमस चीज़ थी कि इसने कैरा प्रणाली चलाई थी। कैरा प्रणाली क्या थी? पर्दा जो आप देखते हैं महिलाएं करती हैं, तो वो ना करने की जो प्रणाली थी वो इसी के द्वारा चलाई गई थी। लोगों ने जो है इसका पुरजोर विरोध भी जो है वो किया था, ये भी आपको पता होना चाहिए। बात करते हैं आगे, आगे बात करें तो उसके बाद हमारा अगला शासक आया बलबन। बलबन का टाइम पीरियड जो है वो 1266 से 87 यानी कि 87 ईस्वी तक चला। आप ऊपर अगर देखें तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था 1240 थे और इसके बाद डायरेक्ट हम 1266 तक देख रहे हैं। बीच में हमारे जो शासक आए थे उसमें कोई इम्पॉर्टेंट नहीं था, तो ऐसा कोई जानने की जरूरत नहीं है, केवल यहाँ पर आपको इम्पॉर्टेंट ही जो है वो याद रखने हैं। तो बलबन जो है 1266 से 1287 यानी 87 ईस्वी तक चला था इसका शासनकाल। इसके टाइम पीरियड की बात करें तो इसमें जो है वो नवरोज उत्सव जो है उसको प्रारंभ किया गया था। नवरोज उत्सव यदि डायरेक्ट पूछ लिया जाए तो बलबन के द्वारा शुरू किया गया था। इसके साथ साथ जो इक्ता प्रणाली इल्तुतमिश के द्वारा चलाई गई थी मैंने ऊपर आपको बताया, और उसके साथ साथ तुर्क चलगार्मी का जो गठन किया गया था 40 तुर्की सरदारों का, उस दोनों को ही जो है इसमें ख़त्म किया गया था बलबन के द्वारा। ध्यान में रखिएगा, स्टार्ट इल्तुतमिश ने करवाया था और ख़त्म जो है इन्होंने करवाया था। इसके साथ साथ सिजदा और पैबोस प्रथा की शुरुआत भी जो है वो बलबन के द्वारा ही करवाई गई थी। ध्यान में रखिएगा, काफ़ी बार जो है आपके पूछा भी जाता है, सिजदा एवं पैबोस जो प्रथा है उसकी शुरुआत बलबन के द्वारा कराई गई थी। इसी के टाइम में दो प्रसिद्ध कवि के रूप में जो जाने जाते थे वो भी रहते थे, कौन कौन से? फारसी कवि अमीर खुसरो और अमीर हसन, ये जो दो हैं इन्हीं के दरबार में यानी कि बलबन के दरबार में रहते थे। अमीर खुसरो आपने काफ़ी बार नाम सुना भी होगा, तो ये जो है वो फेमस हो जाते हैं। इसके अलावा वीडियो पसंद आ रहा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मैंने काफ़ी मेहनत करके जो है आपके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट एग्ज़ाम के प्रॉस्पेक्टस से हो सकते हैं वो जो है ढूंढ के निकाले हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके मेरा हौसला ज़रूर बढ़ा दीजिएगा। बात कर लेते अब अंतिम शासक की, तो अंतिम शासक जो है वो शमसुद्दीन क्यूमर्स और कैकुबाद दोनों ही आपको देखने को मिलते हैं। देखिए जैसे कि आप अलग अलग पब्लिकेशन की बुक देखिए तो आपको कहीं कहीं शमसुद्दीन क्यूमर्स भी देखने को मिलता है और इसके अलावा कहीं कहीं कैकुबाद भी देखने को मिलता है। अब आपके मन में यह आ रहा होगा कि अगर ऑप्शन में दोनों ही आ जाए तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऑप्शन में इन दोनों में से जो है आएगा तो कोई एक ही होगा। इसके साथ साथ यदि आपसे डायरेक्ट पूछ लिया गया अति लघु वाले प्रश्न में कि जो अंतिम शासक है वो कौन था गुलाम वंश का, तो आप इन दोनों में से कोई भी लिख देंगे वो आपका सही होगा, नहीं होगा, क्योंकि दोनों ही नाम जो है आपके अपनी जगह सही है। जो ऑथेंटिक बुक है दोनों ही नाम आपको देखने को मिलते हैं। चलिए बात कर लेते हैं अब आगे। अब अगला हमारा वंश है खिलजी वंश, जिसका जो टाइम पीरियड था वो 1290 से 1320 ईस्वी तक चला था। मैंने ऊपर जो गुलाम वंश बताया वो उसका टाइम पीरियड था 1206 से 1290 तक, तो देखिए 1290 तक चला, तो इसी 1290 से 1320 ईस्वी तक जो है वो खिलजी वंश चला था। संस्थापक की बात करें तो संस्थापक जो है वो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था। खिलजी वंश का संस्थापक जो है वो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था। राजधानी की बात करें तो राजधानी जो है वो किलोखरी थी। ध्यान में रखिएगा, किलोखरी जो है वो राजधानी थी। अब जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जो कि संस्थापक था खिलजी वंश का, उसकी हत्या किसने कर दी? उसकी हत्या कर दी अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी यहाँ पर जो टोटल खिलजी वंश है इसमें सबसे महत्वपूर्ण रोल अदा करते थे, इनके बारे में जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ है उसको आपको याद रखना बेहद ही आवश्यक है। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में बात करें तो घोड़ा दागने और सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा की शुरुआत जो है वो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा ही करवाई गई थी। सबसे ज़्यादा बार पूछा जाता है, तो ध्यान में रखिएगा कि घोड़ा दागने और सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा की शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा करवाई गई थी। दूसरे इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें तो मूल्य नियंत्रण प्रणाली, मूल्य नियंत्रण प्रणाली भी जो है वो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा ही स्टार्ट की गई थी। इसमें क्या होता था, मूल्य नियंत्रण प्रणाली में जो कम तौलता था, यदि जैसे आप दुकानदार हैं, यदि आपने जो है बेमानी की और कम तौला किसी चीज़ को, तो आपके शरीर से उतना ही मांस जो है वो काट लिया जाता था। तो वही लिखा है यहाँ पर, कम तौलने वाले के शरीर से मांस काट लेना, तो ये जो है वो मूल्य नियंत्रण प्रणाली लागू की गई थी। इसके अलावा निर्माण की बात करें, अलाउद्दीन खिलजी से रिलेटेड फेमस हैं जमायत खान मस्जिद, अलाई दरवाज़ा, सीरी का किला और हजार खंबा महल, चारों को एकदम रट लीजिएगा। मैंने जैसे अभी ऊपर आपको कुतुबुद्दीन ऐबक जो हमारे सबसे पहले आए थे उनके बारे में बताया था, जो भी उनके निर्माण करता वो भी हमारे काफ़ी बार पूछे जाते हैं, और इसके साथ साथ अलाउद्दीन खिलजी के भी काफ़ी पूछे जाते हैं। तो चारों नाम याद रखिएगा, जमैत खाना मस्जिद, अलाई दरवाज़ा,
सीरी का किला और हजार खंबा महल, ये चारों ही जो है वो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा निर्माण करवाया गया था। अब बात कर लेते हैं इसी खिलजी वंश का जो अंतिम शासक था उसके बारे में। तो अंतिम शासक था नसरुद्दीन खुसरो। नसरुद्दीन खुसरो जो है वो अंतिम शासक था खिलजी वंश का। इसी नसरुद्दीन खुसरो को जो है वो खुसरो खां के नाम से भी जाना जाता था। कहीं कहीं आपको डायरेक्ट अंतिम शासक में खुसरो खां भी जो है वो लिखा देखने को मिलता है। तो दोनों ध्यान रखिएगा, नाम एक ही है। नसरुद्दीन खुसरो या खुसरो खां जो है वो हमारे खिलजी वंश के अंतिम शासक थे। अब बात करते हैं हम अगला वंश जो हमारा आया था तुगलक वंश। इसके अलावा इन वंशों को याद करने की ट्रिक भी हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं, यदि आपने नहीं देखी तो एक बार हम यहाँ पर फिर से बता देते हैं। ट्रिक हमारी सिंपल सी है, गुड़ खाओ तसला में। सिंपल सी ट्रिक हमारी, गुड़ खाओ तसला में, ये आपको याद रखना है। आपको सारे गुलाम वंश में जो भी वंश आते हैं उन सभी को आप इसे याद रख सकते हैं। देखिए गुड़ में जो गु आ रहा है इसे आप याद रख सकते हैं गुलाम वंश, खाओ में ये जो आ रहा है खा इसे आप याद रख सकते हैं खिलजी वंश, जो कि हमने इससे पहले पढ़ा भी, दोनों ही हमने अभी पढ़े। उसके बाद हमारा यहाँ पर जो आप टी देख रहे हैं इससे हमारा हो जाएगा तुगलक वंश, जो हम आगे अभी देख रहे हैं। उसके बाद हमारा जो है यहाँ पर एस आ रहा है इससे आप याद रखेंगे सैयद वंश, जो अभी हम आगे पढ़ेंगे। और उसके बाद हमारा जो एल ए आ रहा है इससे आप याद रख सकते हैं लोदी वंश। तो गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोदी वंश, ये हमारा सीरियल है टोटल जो हमारा सल्तनत काल है उसका। इसके अलावा मैं टोटल टाइम पीरियड भी आपको बता देता हूँ, 1206 से लेकर 1526 ईस्वी तक जो है ये हमारा पूरा सल्तनत काल चला था। 1206 में मैंने एक बार आपको बताया जो कुतुबुद्दीन ऐबक था वो राजगद्दी पर बैठा था, और 1526 हम सबसे लास्ट में देखेंगे जब हम लोदी वंश पढ़ेंगे। 1526 में पानीपत का जो युद्ध हुआ था वहाँ पर जाके हमारा लोदी वंश जो है वो समाप्त हुआ था, और सल्तनत काल भी समाप्त हुआ था, और वहाँ से हमारा मुगल काल जो है वो स्टार्ट हुआ था। तो वो हम बात अभी आगे करेंगे। एक हमने रूपरेखा यहाँ पर आपको समझा दी है कि आपको चीज़ें जो है वो समझ में आती रहें। इसके अलावा ट्रिक पसंद आई हो तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, वीडियो को लाइक जरूर करें। अगला है हमारा तुगलक वंश, जिसका टाइम पीरियड था 1320 से लेकर यहाँ पर जो 98 ईस्वी देख रहे हैं ये काफ़ी पुस्तकों में लिखा रहता है, ये जो है वो गलत होता है, ध्यान रखिएगा। 1398 से लेकर 1414 ईस्वी तक जो है वो तुगलक वंश चला था। 1398 से 1414 ईस्वी तक हमारा तुगलक वंश चला था, और इसी 1414 से हमारा आगे सैयद वंश जो है वो स्टार्ट हुआ था। तो ध्यान रखिएगा तुगलक वंश का जो टाइम पीरियड था वो 1320 से 1414 ईस्वी तक था। संस्थापक की बात करें तो संस्थापक जो है इसका गाजी मलिक था, और इसी गाजी मलिक जो है इसको तुगलक गाजी के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान में रखिएगा गाजी मलिक या तुगलक गाजी ये जो है वो संस्थापक था तुगलक वंश का। राजधानी की बात करें तो राजधानी जो है वो दिल्ली थी। 1320 से लेकर 25 ईस्वी तक जो है वो गयासुद्दीन तुगलक के नाम से जो है ये गद्दी पर बैठा था गाजी मलिक। गाजी मलिक कहें या तुगलक गाजी कहें या गयासुद्दीन तुगलक कहें, तीनों ही नाम हमारे एक ही हैं। नाम देखिए इसका गाजी मलिक या तुगलक गाजी ही था, परंतु जब ये राजगद्दी पर बैठा था 1320 से 1325 ईस्वी तक, यानी कि इस तुगलक टोटल वंश में केवल 5 वर्ष इसका शासन चला था गयासुद्दीन तुगलक का, तो ये जो है वो गयासुद्दीन तुगलक के नाम से जो है वो गद्दी पर बैठा था। इसके टाइम में जो इम्पोर्टेंट काम हुए थे उनकी बात करें तो सबसे पहला हमारा कि सिंचाई के लिए कुएं एवं नहरों का निर्माण जो है इसने करवाया था, और इस नहरों के निर्माण से रिलेटेड सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि ये नहरों का निर्माण कराने वाला जो है ये पहला शासक था। ध्यान रखिएगा नहरों का निर्माण करवाने वाला जो है वो पहला शासक जो है वो गयासुद्दीन तुगलक था। दूसरे की बात करें तो तुगलकाबाद नाम का एक नया नगर भी जो है इसने स्थापित किया था, तुगलकाबाद नाम का। और तीसरा हमारा जूना खां द्वारा निर्मित, एक जूना खां एक व्यक्ति था जिसके द्वारा निर्मित लकड़ी के महल में दबकर जो है इसकी मृत्यु हो गई थी। किसकी? गयासुद्दीन तुगलक की। मैंने आपको बताया 1320 से 1325 ईस्वी तक टाइम पीरियड इसका चला, तो 1325 ईस्वी में जूना खां द्वारा निर्मित लकड़ी के महल में दबकर जो है इसकी मृत्यु हो गई थी। तो यहाँ तक हमारा गयासुद्दीन तुगलक हो गया। गयासुद्दीन तुगलक के बाद हमारा सबसे इम्पोर्टेंट शासक आता है इसी काल का, मोहम्मद बिन तुगलक। सबसे ज़्यादा प्रश्न हमारे इससे पूछे जाते हैं मोहम्मद बिन तुगलक से, तो ध्यान रखिएगा तुगलक वंश का सबसे महत्वपूर्ण राजा जो है यही था मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक का एक और नाम था वो था जूना खां।
तो 1325 से लेकर 1351 ईस्वी तक इसका जो है वो टाइम पीरियड चला था। ऊपर देखा कि गयासुद्दीन जो तुगलक था उसका टाइम 1325 ईस्वी तक चला था, और इसी 1325 के बाद जो है हमारा 1351 तक जो है मोहम्मद बिन तुगलक जो है इसका टाइम पीरियड चला था। इसके बारे में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हमारी क्या थी, वो थी राजधानी दिल्ली से देवगिरी राजधानी जो है इसने ट्रांसफ़र की थी। देखिए राजधानी अगर वही सेम रहे तो इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं होती है, परंतु यदि किसी राजा महाराजा ने अपनी राजधानी चेंज की तो वो उसके इम्पॉर्टेंट वर्क में आ जाता है। राजधानी परिवर्तन 1326 से 1327 ईस्वी में हुआ था। इसके साथ साथ दोआब क्षेत्र में कर वृद्धि भी जो है इसी ने कराई थी 1326 से 1327 ईस्वी में। अभी जो हाल ही में इससे पहले हमारा 2017 बैच का इसी सेकंड सेमेस्टर का पेपर हुआ था, वहाँ पर हमारा यही प्रश्न जो है इससे रिलेटेड लघु उत्तरी में पूछा भी गया था। अगला हमारा पॉइंट है सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन जो है वो 1329 से 1330 ईस्वी में जो है इसी के द्वारा करवाया गया था। इसके अलावा खुरासान और कराचिल का अभियान भी जो है इसी से रिलेटेड है। इसके समय में एक अफ्रीकी यात्री आया था जिसका नाम था इब्ने बतूता। इब्ने बतूता जो अफ्रीकी यात्री था वो इसी के शासनकाल में आया था, और इब्ने बतूता की सबसे फेमस जो पुस्तक है उसका नाम है रेहला। ध्यान में रखिएगा नाम रेहला जो है वो इब्ने बतूता अफ्रीकी यात्री जो आया था उसकी पुस्तक है। इसके अलावा विभाग की बात करें तो कृषि विभाग का गठन भी इसके टाइम में हुआ था। एक नाम था दीवान ए कोही, और इसी को जो है वो अमीर ए कोही के नाम से भी जाना जाता है। दीवान ए कोही जो है ये कृषि विभाग था। और लास्ट हमारा है कि दक्षिण में हरिहर और बुक्का नामक जो दो भाई थे उन्होंने विजयनगर की स्थापना की थी। दक्षिण में हरिहर और बुक्का नामक दो भाई जो थे उन्होंने विजयनगर जो है उसकी स्थापना जो है इसी के टाइम में की थी, मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में। तो ये सभी पॉइंट एकदम रट लीजिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है यहाँ पर ये लिखे हुए हैं। चलिए बात कर लेते हैं अब आगे। अब बात करते हैं अगले शासक यानी कि फिरोज शाह तुगलक के बारे में। फिरोज शाह तुगलक के बारे में जो है सबसे ज़्यादा फेमस ये है कि इसने 24 करों को समाप्त कर केवल और केवल 4 कर ही जो है वो बाकी रखे थे। कौन कौन से? खराज, खम्स, जजिया और जकात। तो ध्यान में रखिएगा जब 24 करों को समाप्त करने की बात आए तो फिरोज शाह तुगलक ध्यान में रखिएगा। या डायरेक्ट आपसे फिरोज शाह तुगलक के बारे में आ गया तो आप थोड़ा बहुत उसके बारे में लिख रहे हैं तो इनको थोड़ा सा ब्लैक पेन से हेडलाइन करके लिख देंगे तो आपको एक्स्ट्रा जो नंबर मिलेंगे उसकी चांसेस ज्यादा रहते हैं। इसके अलावा दासों के देखभाल के लिए इसने दीवान ए बंदगान जो है इसकी भी स्थापना की थी। बात कर लेते हैं अंतिम शासक की तुगलक वंश का, तो अंतिम शासक था नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक। कहीं कहीं महमूद भी लिखा रहता है, कहीं कहीं मोहम्मद भी देखने को मिलता है आपको, तो ध्यान रखिएगा नसरुद्दीन महमूद तुगलक जो है ये अंतिम शासक था तुगलक वंश का। बात करते हैं अब अगले वंश की, सैयद वंश। इसका टाइम था 1414 से 1451 ईस्वी तक। इससे पहले वाले वंश का हमने आपको बताया था 1414 तक था, उसी के आगे जो है ये स्टार्ट हुआ है। संस्थापक की बात करें तो संस्थापक जो है वो खिज्र खां था। खिज्र खां जो है इसका पुत्र था जिसका नाम था मुबारक शाह, और ये जो मुबारक साइज के बारे में ये जाना जाता है कि अपने नाम के सिक्के जो है इसने चलवाए थे। बाकी इसमें कुछ ऐसा खास इम्पॉर्टेंट नहीं है। अंतिम शासक आप याद रख सकते हैं अलाउद्दीन आलम शाह जो है ये इसका अंतिम शासक था। तो सैयद वंश में केवल और केवल जो है इतना ही है, केवल आपको संस्थापक मेन याद रखना है, ध्यान में रखिएगा, और इसके साथ साथ टोटल टाइम पीरियड। अगला और लास्ट वंश है हमारा लोदी वंश। लोदी वंश की बात करें तो टोटल टाइम पीरियड था 1451 से 1526 ईस्वी तक। 1451 से 1526 ईस्वी तक लोदी वंश चला था। संस्थापक की बात करें तो बहलोल लोदी था। जितने भी आप संस्थापक देख रहे हैं इनको जरूर याद रखिएगा, डायरेक्ट आपसे बहुविकल्पी में ये जरूर पूछ लिया जाता है कि लोदी वंश का संस्थापक जो है वो कौन था, तो संस्थापक जरूर से जरूर याद रखिएगा। इसके अलावा भी हम टोटल कोर्स जो है आपको कंप्लीट करा चुके हैं बीटीसी डीएलएड सेकंड सेमेस्टर का। आपको कुछ भी सर्च करना हो तो डायरेक्ट आप यूट्यूब पर बालाजी स्टडी अड्डा सेकेंड सेमेस्टर कोर्स करके सर्च कर सकते हैं या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करके सर्च कर सकते हैं। आपको जो है सभी चीज़ें जो है वो मिल जाएंगी जो इससे पहले हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। इसके अलावा फिर भी यदि आपको ढूंढने में दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर लिख के बताइएगा, मैं सभी जो प्लेलिस्ट हैं उनके लिंक जो है आपको एक साथ दे दूंगा। वहाँ पर आपको प्रीवियस ईयर के पेपर,
इंपॉर्टेंट बहुविकल्पीय सभी चीज़ें जो है वो मिल जाएंगी, और उसके साथ साथ टॉपिक वाइज वीडियो जो हैं वो भी मिल जाएंगे। तो बात कर लेते हैं अपने टॉपिक के बारे में, बहलोल लोधी के बारे में। संस्थापक मैंने आपको बताया, और बहलोल लोधी जो है उसने बहलोल सिक्के भी जो है वो चलवाए थे, ये भी ध्यान में रखिएगा। इसके बाद हम बात करते हैं सिकंदर लोधी की। सिकंदर लोधी के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि इसने आगरा शहर की स्थापना की थी। काफ़ी बार कॉम्पिटिटिव लेवल में ये प्रश्न पूछ लिया जाता है कि आगरा शहर की स्थापना जो है वो किस वंश या किस शासक ने जो है वो की थी। काफ़ी बार ये भी पूछ लिया था कि किस वंश में हुई थी, काफ़ी बार ये भी पूछ लिया था कि किस शासक के द्वारा कराई गई थी। तो ध्यान रखिएगा, आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोधी के द्वारा और 1504 ईस्वी में हुई थी। सिकंदर लोधी के बारे में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये जो है वो गुलरुखी शीर्षक से फारसी कविताएं लिखता था। गुलरुखी शीर्षक से जो है ये फारसी कविताएं लिखता था। बात कर लेते हैं अंतिम शासक की इसी वंश का, यानी कि लोधी वंश का अंतिम शासक जो है वो इब्राहिम लोधी था। जो मैंने ऊपर ट्रिक जो आपको बताई थी वहाँ पर बताया भी कि इब्राहिम लोधी जो है सबसे लास्ट शासक था, और जो पानीपत का पहला युद्ध था जिसमें जो है ये इब्राहिम लोधी जो है वो बाबर से हार गया था, और ये युद्ध जो है वो 1526 ईस्वी में हुआ था। तो ये जो पानीपत का पहला युद्ध देख रहे हैं, इसी युद्ध से जो हमारा ये लोधी वंश है ये समाप्त हो गया था, और इसी के साथ साथ जो हम सल्तनत काल पढ़ रहे हैं ये भी जो है हमारा समाप्त हो गया था, और एक नया वंश की स्थापना हुई थी वो हमारा था मुगल काल। तो मुगल काल जो है यहीं से स्टार्ट हुआ था 1526 ईस्वी से, यहीं से हमारा सल्तनत काल जो है वो ख़त्म हो गया था, और मुगल काल जो है उसकी स्थापना या कह सकते हैं मुगल काल जो है वो स्टार्ट हुआ था। और मुगल वंश जो है उसका जो सबसे पहला शासक था वो हमारा यही जो है वो बाबर था। तो ये सारी चीज़ें भी थोड़ा सा मैंने आपको बताया था, ध्यान में रखिएगा, कभी कभी जो है थोड़ा सा अगले सेमेस्टर के कुछ प्रश्न भी जो है वो पूछ लिए जाते हैं। तो टोटल हमने जितना कुछ पढ़ा उस पर बेस्ड हम आपसे केवल और केवल जो है वो दो प्रश्न पूछेंगे, और उसके उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में टाइप करके बताना है, जिससे आपको समझ में आएगा कि आपने यहाँ पर जो सारी चीज़ें पढ़ी उससे जो है आपको कितनी जो है वो हेल्प मिली। पहला प्रश्न हमारा यहाँ पर यह है कि इक्ता प्रथा जो है, इक्ता प्रथा वो किसके द्वारा जो है वो चलाई गई थी, इक्ता प्रथा किसके द्वारा चलाई गई थी वो आपको कमेंट सेक्शन में टाइप करके बताना है। और दूसरा प्रश्न हमारा ये है कि अलाई दरवाजा का निर्माण जो है वो किस के द्वारा करवाया गया था, या कह सकते हैं किसके शासनकाल में जो है वो करवाया गया था। पहला हमने इक्ता प्रथा पूछा, दूसरा हमने अलाई दरवाजा पूछा, दोनों ही के उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में जो है वो टाइप करके बताने हैं। उत्तर जो है कमेंट में ही मैं आपको दे दूंगा, या तो आप अन्य लोगों के उत्तर देख के भी जो है वो समझ सकते हैं। तो इसी के साथ हमारा ये जो सल्तनत काल है वो कंप्लीट होता है। यदि आप किसी अन्य टॉपिक पर फास्ट रिवीजन या वीडियो चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, और इसके साथ साथ यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू फॉर वॉचिंग।